टाइगर की वजह से किस फिल्म को छोड़ना पड़ा जैकी श्रॉफ को? नशे में सोनम के साथ क्या किया श्रद्धा कपूर के पिता ने? एक जैसी उम्र के बावजूद जैकी के पिता क्यों बने अनुपम खेर? एक ऐसी फिल्म जिसने नसीरुद्दीन शाह का करियर कम से कम भी 10 सालों के लिए बढ़ा दिया, जिसमें एक निर्देशक और एक एक्ट्रेस के बीच प्यार की शुरुआत हुई, जिसमें गुलशन राय के बेटे राजीव राय ने अपनी पहली सुपरहिट फिल्म दी। हम बात कर रहे हैं 1989 की सुपरहिट फिल्म त्रिदेव की। आइए आज हम आपको उस फिल्म के बारे में कुछ खास और रोचक तथ्य बताते हैं। निर्देशक राजीव चाहते थे कि उनकी अगली फिल्म विश्वात्मा में भी तीनों ही लीड सेम हो, परंतु चंकी पांडे ने जैकी श्रॉफ को रिप्लेस किया था। दरअसल अपने बेटे टाइगर श्रॉफ के जन्म की वजह से जैकी उस समय भारत से बाहर कहीं शूट नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से उन्हें फिल्म से हाथ धोना पड़ा। फिल्म का एक गाना तिरछी टोपी वाला बहुत बड़ा हिट रहा था, परंतु उसे भी कॉन्ट्रोवर्सी ने घेर लिया। दरअसल ये गाना पुलिस फोर्स को कतई नहीं भाया, क्योंकि उनका मानना था कि तिरछी शब्द उनकी टोपी के लिए एक इंसल्ट जैसा है। वहीं सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म पर बैन लगा देने की धमकी दे डाली थी। उनका कहना था कि ये एक वॉयलेंट फिल्म है जिसमें तीनों लीड्स देश के कानून के खिलाफ जा रहे हैं। लगभग 3 महीनों से फिल्म सेंसर से पास नहीं हो रही थी, जिसके बाद राजीव ने वो केस लड़ा और जीता भी। 1989 का वो साल जैकी के करियर के लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर आया था। राम लखन, परिंदा और त्रिदेव जैसी कई ब्लॉकबस्टर हिट्स उन्होंने उसी साल दी। इस कास्ट में से सिर्फ सोनम ही ऐसी स्टार थी जिन्हें राजीव ने अपने एक से ज्यादा फिल्म में लिया। त्रिदेव के बाद उन्होंने विश्वात्मा भी साथ में की। इसके अलावा देखा जाए तो राजीव अपनी हर फिल्म में एक नई हीरोइन को लेते थे। फिल्म का ऑफर शक्ति कपूर को भी दिया गया था, जो उस समय पैसों और डेट्स की वजह से इसे नहीं कर पाए। 3 साल बाद चंकी पांडे के जन्मदिन पार्टी के दौरान वो शराब पीकर राजीव के पास पहुंचे और उन्हें परेशान करने लगे। उन्होंने उन्हें एक अलग रोल के लिए कास्ट करने को कहा। अब शक्ति रात होने तक और शराब पिए जाए, तब राजीव ने उन्हें बड़े प्यार से वहां से जाने को बोला। इसके बाद शक्ति गाली गलौज पर उतर आए और राजीव की गर्लफ्रेंड सोनम को बुरा भला कहने लगे। युद्ध के बाद राजीव की ये दूसरी फिल्म थी और पहली हिट फिल्म। नसीरुद्दीन शाह का किरदार भी पहले मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था, पर चूंकि वो उस समय बाकी फिल्मों में बिजी थे, इसलिए ये फिल्म नहीं कर पाए। ये एक लौती फिल्म है जिसमें माधुरी और सनी देओल एक रोमांटिक कपल के रूप में दिखे थे। क्या आपको पता है कि अनुपम खेर की उम्र सनी देओल और जैकी श्रॉफ जितनी ही है, उसके बावजूद उन्होंने जैकी के पिता का किरदार निभाया था। अब आपको बता दें कि इस फिल्म के रीमेक पर काम हो रहा है, हालांकि निर्देशक के नाम में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है। दरअसल ओरिजिनल फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय फिल्मों से कई सालों पहले ब्रेक ले चुके हैं, जिस वजह से वो फिल्म का निर्देशन नहीं करेंगे, परंतु फिल्म की कास्ट में शामिल लीड एक्टर सनी देओल फिल्म के लिए निर्देशक की कुर्सी संभालने वाले हैं। वही बात अगर फिल्म की होने वाली कास्ट की करें तो इसमें सुनील शेट्टी, अजय देवगन और सनी देओल की तिकड़ी दिखने वाली है। जी हाँ, यानी सनी निर्देशक के साथ साथ एक्टिंग भी करते दिखेंगे। यही तो बात होती है एक खास फिल्म की, और यही अहमियत होती है एक स्टार की लाइफ में उनके द्वारा की गई फिल्मों की। बहरहाल आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।